बहुत सारे लोग चार्ट जी पी टी के नाम पर ब्लॉग लिखना सिखा रहे हैं विच इज़ ओके बट दैट इज़ कॉन्टेंट राइटिंग तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट जी पी का कैसे यूज़ कर सकते हैं सात तरीके जिसमें आप लोग चार्ट जी पी का यूज़ कर सकते हो ए के लिए अपने ब्लॉग्स के लिए अपने आर्टिकल्स के लिए मैं कैसे यूज़ करता हूँ फॉर फ्री एंड इसी खास बात है कि गूगल भी इस पर पे पे पेनल्टी नहीं लगाएगा एंड ए भी डिटेक्ट नहीं होगी इस पर हाय गाइस मेरा नाम है कृपेश आडवाणी यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स एआई चैट चार्ट जी पी के बारे में बात करता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है सेवन वेज़ टू यूज़ चार्ट जीपीटी फॉर SEO in इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और मैं कैसे यूज करता हूँ इसको पहले तो चार्ट जी पी टी आई होप आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो आई बटन पर इसका ही वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर मैंने चार्ट जीपी टी बताया है क्या होता है और एक ट्यूटोरियल वीडियो भी मिल जाएगा जहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रॉम्स डिस्कस करे हैं चार्ट जीपी टी के वो भी आपको आई बटन पर मिल जाएंगे नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अवर वीज जो पहला तरीका है चार्ट जीपी टी को यूज करने का वो है एक टूल का यूज करना एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सटेंशन जिसका नाम है ए आई पी आर एम बेसिकली यहाँ पर ऑलरेडी कुछ प्रॉम्प्स है जो लोगों ने यहाँ पे बना के रखे हैं तो हमें सिर्फ उन प्रोम्स का यूज़ करना है उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए वाला क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देना है एक बार ये वाला क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया उसके बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको टॉपिक्स पे चले जाना है जो भी आपको चाहिए अभी क्योंकि हम लोग ए के बारे में बात करें तो आई क्लिक ऑन ए एंड एस रिलेटेड यहाँ पर ये सारा आ जाएगा अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेटेड है सब तो मान लेते हैं मुझे एक सीलो स्ट्रक्चर चाहिए ठीक है कि मेरे को एक सीलो स्ट्रक्चर चाहिए वेबसाइट में बना रहा हूँ मैं उसका यहाँ पे की कीवर्ड डाल लूँगा जैसे मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग लार्ज सेट तो मुझे सिर्फ यहाँ पर उसका कीवर्ड डालना है बाकी ये सब ऑटोमेटिकली इसका प्रॉम्प्ट फिट है अब इनके फ्री वर्जन में आप नहीं देख सकते हो कि प्रॉम्प्ट क्या है लेकिन आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाते हैं तो इस तरह का यहाँ पर आप लोग इसमें जनरेट कर सकते हो ये ए आई पी आर एम इन्होंने ब्रांडिंग यहाँ पे कर दी कि ठीक है इस तरह का यहाँ पे सीलो स्ट्रक्चर रहेगा होम अबाउट अस सर्विसेज सर्विसेज के अंदर आप ये सब डाल सकते हो देन ब्लॉग्स वगैरह भी रहेंगे तो सीलो स्ट्रक्चर क्या होता है जैसे हमारा मेन्यू रहता है उसी तरह से यहाँ पर और भी सारी चीज़ें जो मैं इसको जो यूज़ करता हूँ सीलो के लिए यूज़ करता हूँ कीवर्ड वर्ड स्ट्रैटेजी आई लाइक दिस वन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग डाल दूँ तो मुझे उसकी एक कीवर्ड स्ट्रैटेजी निकाल के दे देगा जिसमें मुझे क्लस्टर बता देता है कीवर्ड बता देता है सर्च इंटेंट बता देता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी दे देता है कि ठीक है कीवर्ड ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैसे डीप इसने मुझे रिसर्च नहीं करके दिया बहुत ही अपर लेवल के दिए हैं बट टू गेट स्टार्टेड अच्छा है ये कीवर्ड स्ट्रैटेजी के लिए अच्छा है कीवर्ड जनरेटर इसका अलग है लेट्स ट्राई वन कॉफी बीन्स कॉफ़ी बीन्स में उसने मुझे ये वाले की दे दिए जो मुझे अपने आर्टिकल में इंक्लूड करने चाहिए इसमें से क्या नहीं यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ जितने भी आउट रैंक आर्टिकल है ह्यूमन रिटर्न ऑप्टीमाइज आर्टिकल है ये सब यूज मत करना ये मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं इसका जो आउटपुट आता है दैट इज़ वेरी फिशी और ए से मैं एक नज़र में देख के बता सकता हूँ कि उसको ए से लिखा गया है तो बिगनर्स के लिए आई थिंक ये वाला एक्सटेंशन काफ़ी अच्छा है इसमें आपको प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट मिल जाते हैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती है अब जो सेकेंड प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ वो है आउटलाइन के लिए जैसे ये रहा एज एन एक्सपीरियंस कॉपी राइटर जनरेट अ कॉम्प्रेहेंसिव एसो ऑप्टिमाइज ब्लॉक पोस्ट आउटलाइन फॉर द की वर्ड यहाँ पर इस सेगमेंट पर यू नीड टू राइट योर की वर्ड जो ये है ना ये वाला सेगमेंट हमारा यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड लिख देना है उसके बाद टारगेटिंग एंड कॉफी ड्रिंकर ऑडियंस तो यहाँ पर आप लोग अपनी ऑडियंस डाल सकते हो कि कौन सी ऑडियंस होनी चाहिए और हेल्पफुल टोन डिजायर्ड लेंथ ऑफ थ्री टू फोर थाउजेंड वर्ड्स नाउ ये मुझे एक आउटलाइन लिख के दे देगा इसकी जिसको मैं अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकता हूँ एंड मेरे हिसाब से इसकी जो आउटलाइन रहती है अच्छी रहती है इनसेट की मैं फ्रेस पे जाऊँ एंड देन वहाँ पे काफी सारी रिसर्च करूँ सो तो स्टार्टिंग में आई थिंक ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है एंड इसने मुझे दे दिया इंट्रोडक्शन दे दिया है कॉफी बीन्स के बारे में बता दो फिर टाइप्स कौन कौन से होते हैं अरेबिका रोबस्टा एंड देन अदर टाइप्स और हाउ टू चूज़ द राइट कॉफी बीन्स फॉर यू ये भी इसने दे दिया है तो आउटलाइन मेरे हिसाब से इसने काफ़ी अच्छी लिख के दी है तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आउटलाइन में इसको पहले बता देना है कि आप कौन हो आप एक्सपीरियंस कॉपी राइटर हो सेकेंड आपकी टॉपिक क्या है वो आपको बता देना है थर्ड आपका कॉफी ड्रिंक आपकी ऑडियंस क्या है तो यहाँ पर मैंने कॉफी ड्रिंक का दिखाया है तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग यहाँ पर अपनी ऑडियंस भी डिफाइन करो एंड फोर्थ कितने लेंथ का आपका आर्टिकल रहेगा उस हिसाब से आपको ये आउटलाइन जनरेट करके दे देगा ये सारे प्रॉम्प्ट्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे या फिर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ एल ट्राई की एक ब्लॉग पोस्ट बना दो तो ब्लॉग पोस्ट फॉर्मेट में मिल जाएगा किसी ना किसी फॉर्मेट में ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड तीसरा तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये रहता है री करने के लिए री राइट आपको क्या यहाँ पे करना है इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पर एक्टिव वॉइस होनी चाहिए शॉर्ट सेंटेंस करो उसको एंड रीडेबल बनाओ किसके लिए यहाँ पर अगेन आपको टारगेट ऑडियंस डालनी है और यहाँ पर कीवर्ड भी डाल देना है तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी टू मेक री राइटिंग एफिशियंट बहुत सारे लोग क्या होते हैं सिर्फ ऐसे री राइट कर देते हैं और टेक्स डाल देते हैं और बाकी कुछ नहीं बताते हैं तो गिव मोर इंस्ट्रक्शन एक्टिव वॉइस शॉर्ट सेंटेंस टारगेट ऑडियंस की वर्ड ये सब हम लोग यहाँ पर देंगे फॉर एग्जाम्पल ये रहा री राइट ये कुछ सेंटेंसेज है कुछ पैराग्राफ्स है एंड देन मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया एंड यूज एक्टिव वॉइस और Uh, कहा गया शॉर्ट सेंटेंसेज टू मेक द कॉन्टेंट मोर रीडेबल फॉर गेमर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये वर्ड मैश लेदर चेयर फॉर गेमिंग तो इसने मुझे काफी अच्छे से और प्रिसाइसली लिख के दिया है मस्ट से दैट चौथा तरीका मैं बताता हूं कि चार्ट जीपीटी को मैं अपने आर्टिकल्स में कैसे इंक्लूड करता हूं ताकि मुझे कोई भी पेनाल्टी नहीं आए और एआई डिटेक्ट भी नहीं हो पहले तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एनालॉजी के लिए इससे क्या होता है इससे आपका जो कंटेंट है आप उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो आप एग्जांपल्स दे पाते हो एक अच्छे तरीके से या फिर मतलब पढ़ने में काफी अच्छा लगता है एक्चुअल में वो मैंने इसको क्या कहा मुझे एक एनोलॉजी दो आप इसके लिए की फिफ्टी परसेंट ऑफ द वेबसाइट्स ऑफ बिल्ड ऑन वेब जो भी वेब पर है वो वर्ड पेज बनाई गई है फिफ्टी से ज्यादा तो इसने मुझे दे दिया कि वो वैसे ही है जैसे मैकडोनल्स है फूड में जैसे वैकडॉनल्स डोमिनेट करता है फास्ट फूड इंडस्ट्री वैसे ही वर्ड भी डोमिनेट करता है तो ये आपको एक रेफरेंस दे देता है तो दैट आई कैन यूज इन माई वीडियो एज वेल और मैं आर्टिकल डाल सकता हूं तो इट मेक्स इट इंटरेस्टिंग एंड इजी टू रिमेंबर मतलब लोग काफी जल्दी समझ जाते हैं मेरे एक्सपीरियंस में तो मैं उसके लिए यूज करता हूं एंड सेकेंड यहां पे यूज करते हैं हम लोग टॉप टेन फैक्ट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स के लिए और ट्रेंड्स के लिए फॉर एग्जाम्पल मुझे वेब होस्टिंग पे मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ लेट सपोज एंड देन मैंने उसको कहा कि मुझे आप फैक्ट्स बताओ स्टैटिस्टिक्स बताओ उसका ट्रेंड्स बताओ और उसका सोर्स भी बताओ ताकि मैं उसको यहाँ पर लिंक भी कर लिंक भी कर सकूँ तो यहाँ पर मेरे पास फैक्ट्स और स्टैट्स आ गए हैं रिलेटेड टू द टॉपिक वेब होस्टिंग और सोर्सेज भी इसने मुझे दे दिए कि इसने कहाँ से उठाए हैं तो नाउ आई कैन इंक्लूड दैट इन माई आर्टिकल अलॉन्ग विद द सोर्सेज तो काफी इजी हो जाएगा मेरे लिए अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना जब यू कैन रेफरेंस टू सम अदर वेबसाइट एज वेल ये एस के लिए भी काफी अच्छा है इफ़ यू कैन आउटलिंक टू सम अथॉरिटी वेबसाइट जिसने रिसर्च करके रखी है इस तरीके से मैं उसको यूज़ करता हूँ आर्टिकल राइटिंग में एंड कोई भी तरीका नहीं है कि ए आई पेनाल्टी लगा दे गूगल पेनाल्टी लगा दें या किसी भी तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये मुझे ए ने ढूंढ के दिया है सो दैज द बेस्ट पार्ट नाउ ब्लॉग की बात कर ही रहे हैं तो आज के स्पॉन्सर की भी बात कर लेते हैं वो है होस्टिंगर इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट अ ब्लॉग आपको शिफ्ट करना है आपको अपना ब्लॉग बनाना है तो होस्टिंगर इज़ वन ऑफ द अफोर्डेबल वेब होस्टिंग सर्विसेज इनके डेटा सेंटर्स भी इंडिया में स्पीड अच्छी है अप टाइम इनका अच्छा है कस्टमर सपोर्ट काफ़ी इंप्रूव हो गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एंड जिस प्राइजेस पे आते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक के थ्रू जाओगे गोडाउट कृपेश अडवानी डॉट कॉम स्लैश होस्टिंग एंड इफ यू एंटर कूपन कोड कृपेश तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट का डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड इफ यू बाय थ्रू माई लिंक तो एक मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे मैंने बताया कि होस्टिंगर को यूज कैसे करना है सेटअप कैसे करना है वर्ड और बैकअप्स वगैरह सब कुछ मैंने वहाँ पे बताया है ए टू जेड वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा इफ यू गो एंड बाय थ्रू माय लिंक पांचवा तरीका चार्ट जीपीटी को यूज करने के लिए फॉर एस सी इज टू क्रिएट हेडलाइंस हेडलाइंस मैं यहाँ पर इसको कैसे बनाता हूँ मैंने उसको क्या कहा कि एक्ट एज एस सी ओ आई विल प्रोवाइड आर्टिकल आउटलाइन एंड मेन की ऑन सेवरल सब्जेक्ट ठीक है यू विल हैव टू प्रोवाइड फाइव टू सिक्स वर्ड्स लॉन्ग कैची ही क्लिक वर हेडलाइंस विच इंक्लूड द कीवर्ड एंड मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको रन कर देता हूँ तो मैं ठीक है अब अब मुझे यहाँ पर इसको सिर्फ आउटलाइन प्रोवाइड करानी है और मेन कीवर्ड प्रोवाइड कराना है ये एज अ एस सी ओ कॉपीराइटर यहाँ पर वर्क करेगा तो मैं जाता हूँ हमारे ब्लॉग पर हम लोग एक आर्टिकल की आउटलाइन यहाँ पे निकालते हैं जैसे लेट सपोज डब्ल्यू पी फॉर्म्स रिव्यू ठीक है यहाँ पे गया मैं मैं एक ये रही मेरी आउटलाइन मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ आई विल गो हेयर आई क्लिक आई टाइप आउट लाइन ठीक है ये रही ये रही आउटलाइन आ गई और मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ एंड देन आई टाइप अ कीवर्ड विच इज गोइंग टू बी डब्ल्यू पी फॉर्म्स रिव्यू ठीक है तो मैंने उसको पहले ही उसका रोल सेट कर दिया कि भाई अब तो यही है अब तो ऐसी कॉपी की तरह ही एक्ट करेगा तो ये रे आउटलाइन ये रहा की लेट्स क्लिक देखते हैं क्या देता है ये हमें ठीक है आर सम पोटेंशियल हेडलाइंस डिस्कवर डब्ल्यू पी फॉर्म्स अल्टीमेट फॉर्म वेबसाइट बिल्डर मेटा डिस्क्रिप्शन भी इसने दे दिया है क्रिएटिंग फॉर्म नेवर बीन ईजीअर तो इस तरीके से भी मैं उसको यहाँ पे यूज करता हूँ मैं उसको यहाँ पे आउटलाइन दे, दे देता हूँ और कीवर्ड दे देता दे दे हूँ बहुत बार बहुत सारे लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो सिर्फ यहाँ पर मेन कीवर्ड देते हैं मेन कीवर्ड से क्या हो जाता है वो जो आपको हेडलाइन देगा वो शायद से उस आर्टिकल के लिए इतनी अप्रोप्रिएट नहीं होगी तो हेडलाइन आपको बाद में जनरेट करनी है पहले उसकी आउटलाइन जनरेट करो एंड देन हेडलाइन जनरेट करो बेस्ड ऑन द ऑन द आउटलाइन जो भी आपकी है सिक्स वे टू यूज दिस टूल इन एस इज to find frequently asked questions वैसे आई पर्सनली प्रिफर टूल्स फॉर दैट क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर्स दे देते हैं हमें बट अगर आपके पास टूल्स का एक्सेस नहीं है मार्केट में यूज जैसे जो एक्सपेंसिव हो जाते काफ़ी सफर ऐसी हो मार्केट में दो हज़ार एक्सपेंसिव टूल्स सो स्टार्टिंग में आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन तो ये क्वेरी डाल रही है मैंने जनरेट अ लिस्ट ऑफ शॉर्ट टेन एफ ए क्यूज फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल आउटलाइन मैंने इसको अगेन यहाँ पर आर्टिकल आउटलाइन दे दिया जैसे हमने लास्ट स्टेप पे दी थी एंड देन ये इसने मुझे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए प्राइजिंग फ्री ट्रायल प्रो फीचर्स रिफंड पॉलिसी सिक्योरिटी एंड कॉन्स तो इसमें अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि लोग यहाँ पे क्या क्या सर्च करते हैं ठीक है डब्ल्यू पी फॉर्म सर्च करते हैं प्राइजिंग सर्च करते हैं ये जाना ही जाना है फ्री ट्रायल सर्च करते हैं डिस्काउंट कूपन कोड सर्च करते हैं उसका एक एफ ए क्यू आ जाएगा एंड सिक्योरिटी रिफंड पॉलिसी सर्च करते हैं तो ये सब इसके एफ आ जाएंगे और सपोर्ट लाइक फॉर डब्ल्यू पी फॉर्म्स तो ये नहीं डालूंगा मैं तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन से आपको एफिक्यूज इसमें से पिक करने हैं अब सेवेंथ और सबसे अच्छा तरीका जो मुझे अभी तक का लगा है चार्ट जी को यूज़ करने का वो एक टॉपिकल अथॉरिटी जनरेट करने के लिए कुछ की वर्ड्स के कुछ टॉपिक्स की रिसर्च करना उसके लिए मुझे इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक सो फार काफ़ी ईजी है तो वो जो क्रेडिट है आई वुड लाइक टू गिव दैट होल क्रेडिट टू मैट डिग्री उनका एक वीडियो है गो वॉच दिस वीडियो उन्होंने इस वीडियो में बताया है, वो दो प्रॉन्ड्स भी दिए हैं जिससे आप लोग एक टॉपिकल अथॉरिटी बनाना चाहते हो टॉपिकल अथॉरिटी क्या होती है कि कोई भी आप नीच को पकड़ रहे हो जैसे अगर मैं वेब होस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो आई विल ट्राई टू कवर एवरी टॉपिक रिलेटेड टू वेब होस्टिंग अगर मैं जिम के बारे में बात कर रहा हूँ तो आई विल ट्राई टू कवर एवरी टॉपिक रिलेटेड टू जिम अगर मैं एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँ ताकि गूगल की नज़र में मेरी एक अथॉरिटी बन जाए फॉर एग्जाम्पल ये दो प्रॉम्प दिए थे उन्होंने गिव मी थर्टी सिमेंटिकली रिलिवेंट बट यूनिक टॉपिक्स अंडर द मेन कैटेगरी ऑफ जिम एक्सरसाइजेस पहला प्रॉम्प्ट ये है यहाँ से आपको एक मेन कैटेगरीज मिल जाएगी एंड देन इन मेन कैटेगरीज के बाद आपको क्या करना है ये वाला दूसरा प्रॉम्प्ट लिखना है गिव मी टेन डिफरेंट कीवर्ड वेरिएशन फॉर ऑफ ऑफ के बाद यहाँ पर कोई भी एक यू कैन सेलेक्ट द कीवर्ड फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया कि एक्वा फिटनेस पहले मैं एक्वा फिटनेस पे टारगेट करूंगा दैट एड्रेसेस अ डिफरेंट सर्च इंटेंट तो अब यहाँ पर इसमें वाटर एरोबिक्स आ गया है एक्वाजूम्ब आ गया है हाइड्रोथेरेपी आ गया है तो ये सब आ गए हैं एंड आई कैन इवन राइट मेक इट शॉर्ट ब्लॉग टॉपिक्स टू राइट एन आर्टिकल ऑन ठीक है फाइव बेनिफि ऑफ आकवा हेल्थ फॉर योर फिटनेस वाई आकवा जुम्मा इज अ फन वे टू गेट फिट अल्टीमेट गाइड ऑफ आकवा जॉगिंग तो अगर मैं यहाँ पर एक्सरसाइज इसके ऊपर बना रहा हूँ और मैंने कहा कि नहीं पहले जो कैटेगरी है वो मैं टारगेट करूँगा आकवा फिटनेस आकवा फिटनेस में मुझे ये सारे आर्टिकल्स मिल गए हैं जिस पर मैं अब लिखना शुरू कर सकता हूँ और ये सो सारे टॉपिक्स अगर मैं इसको पहले मैनुअली रिसर्च करता तो हो सकता था मुझे एक हफ्ता भी लग जाता लेकिन इसके बाद चार्टिप्टी आने के बाद इट्स जस्ट टू क्वेरीज जो आपको रन करनी है इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से आप लोग मोल्ड करते रहिएगा जैसे मैंने इसको कहा कि शॉर्ट करो इसको इस पर आर्टिकल लिखना है मुझे तो थोड़ा सा अपने हिसाब से यहाँ पर आप लोग अपने प्रॉम्प्ट्स को हमेशा ऐड करना एंड मैंने इसका एक और प्रॉम्प्ट भी बनाया था ये वाला एक्ट एज ए सी ओ कि मैं आपको मेन कीवर्ड प्रोवाइड करूँगा तो अब मैं यहाँ पर अगर इसको मैं मेन कीवर्ड प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग तो मुझे यहाँ पर सिर्फ इसको मेन की प्रोवाइड करना है एंड देन ये मुझे उससे थर्टी टॉपिक्स भी दे देगा डिजिटल और उसके बाद मुझे इन सब के टेन डिफरेंट की भी दे, दे देगा तो ये वाला मेरा है जो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ किसी एक ही बार डालूँ बट ये वाला ज़्यादा प्रेसाइज है यहाँ पर मैं उसको ज़्यादा कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ कि नहीं यहाँ इसको शॉर्ट बनाओ इसको लॉन्ग करो इसको क्लिक वर्दी बनाओ तो वो सब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ बट अगर मुझे जल्दी चाहिए रहता है तो दिस इज द क्वेरी दैट आई यूज और ये अभी यहाँ पर इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं तीस आ जाएंगे उसके बाद ये इन तीस में से पहला वाला ये टॉपिक लेगा एंड देन पहले वाले के सब टॉपिक्स मुझे निकाल के देगा जैसे इसने यहाँ पे ले लिया एस फिर एस टिप्स और वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक गैनिक वेबसाइट ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन एस सी एंड वेबसाइट ट्रैफिक ग्रोथ तो ये मुझे यहाँ पर टॉपिक्स ढूंढ के दे देता है तो ये थे सात तरीके चार्ट जीबी को यूज करने के लिए फॉर एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी जो मैं अभी एट प्रेजेंट यूज कर रहा हूँ अगर आपको और तरीके जानने हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा डू चेक दैट आउट डू लेट मी नो कि आपका फेवरेट कौन सा तरीका है या आप किस तरीके से यूज कर रहे हो चार्ट जीपीटी को एस सो के लिए डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है काफ़ी क्रिएटिव है तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको काफी अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे होंगे एट प्रेजेंट तो प्लीज़ शेयर करो उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूरी दुनिया के साथ में एंड दैट सेट फॉर दिस वन वीडियो अच्छा लगा तो उसको समझक दे दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन गुड बाय